गुड मॉर्निंग क्लास एट। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन पे। सिक्स तक कंप्लीट कर चुके हो आप, सेवन पे चलते हैं। देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक, तो मैं इसमें एक दो आपको बता देता हूँ, ठीक है, और बाकी आप खुद से कर लोगे, बहुत सिंपल है। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर एट भी, सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में। नाइन भी ऐसा ही है। खैर, सब में से मैं एक दो पार्ट आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? चलिए देखिए, तो पहले सेवन्थ का चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, सेवन्थ का वन देखिए क्या है भाई। सेवन्थ का वन दिया हुआ है 3/2 power 4 into 1/5 power 2। दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा, 3/2 power 4, 1/5 power 2। इसको सिंप्लीफाई करना और रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना भी है। कर दो भाई, 3 को 3/2 को कितनी बार रेस किया? 4 times ना, 4 times आप भी रेस करो, 3 into 3 into 3 into 3। ठीक, 2 को कितने टाइम्स रेस करना है? 2 को भी 4 times, तो 4 into 4 into 4 into 4 कर दिया। 1 को 2 टाइम्स रेज करना है, 1 2 times हो गए। 5 को भी 2 टाइम्स, तो 1 2 5 को भी 2 टाइम्स कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 1 जा 81, फिर 81 1 जा 81, 81 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, वेरी गुड, 85 जा 400। ठीक है, 85 जा 40, 400 हो गया। ठीक, तो आपका रेशनल नंबर एक्सप्रेस कैसे हो गया? 81/400। क्लियर है? अच्छा, अब इसी का ज़रा फिफ्थ वाला पार्ट भी देख लो। सेवन्थ का थोड़ा लंबा है, बड़ा है, डर ना लगे आपको, इसलिए फिफ्थ वाला पार्ट भी देख लो। हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन आपका दिया है 3 -3/4 power 3 -5/2 power 3 करली ब्रैकेट क्लोज इनटू 4 power 2। ठीक, चलो तो पहले इसको सॉल्व करें, ये वाला ब्रैकेट भाई ऐसे ही सॉल्व करते हैं पॉडमास में, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चलिए ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है आपको। सॉरी, देखिए 3 को 3 times राइट कर दिया, रेज किया था ना पावर 3, तो 3 को 3 times रॉइस करो, 1 2 3 3 3 3 upon 4 4 4। वही इस ब्रैकेट में भी करेंगे, -5 into -5 into -5। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है? -5 into -5 into -5, 2 into 2 into 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2, यानी कि 16। ठीक, चलो आगे देखो, तो 3 into 3 into 3 क्या हो जाएगा? 27। तो बेटा आप देखो, 27 तो हो गया, ठीक, -27 हो गया, अपॉन क्या होगा? 64। ठीक, 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक, ऐसे ही 5 का करोगे तो 5 into 5 into 5 क्या हो जाएगा? -125, क्योंकि तीनों माइनस में, इसलिए -125, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक, और 16 तो यहाँ पे है, ये क्लियर है? अच्छा, अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम? 64 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब 64 एलसीएम आया, तो 64 को 64 से डिवाइड किया, 1, और 27 यहाँ पे हो गया। ठीक, 1 into 27, -27, माइनस था माइनस, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा, और 8 को डिवाइड करेंगे 64 से, तो कितना आएगा? 8 into 125 कितना होता है? 1000। ये तो पता है ना कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने डिटेल या जो है कि उसको एक्सपैंड करके नहीं दिखाया था ना, आपको पता है, इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट एंड में दिखा दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 1000 हो गया अपॉन 64 हो गया इंटू 16। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, यानी कि 1000 - 27, 1000 - 27, तो 1000 में से 27 माइनस करो, कितना आएगा? 973 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 1000 बड़ा था इसके सामने, प्लस साइन थी। ठीक, अच्छा, इंटू 16। अब 16 64 से कट जाएगा बेटा, 16 4 जा 64, 16 को 64 से डिवाइड कर देगा 16। ठीक, तो ये क्या हो गया? 4 आ गया। तो कितना आंसर आ गया? 973/4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, केवल एक्सपैंड करना है आपको, और जो है सिंप्लीफाई करके उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन एट्थ का क्या है, 4/9 की पावर 6, 4/9 की पावर -4। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, ये -4 है। तो जैसे ही मैंने बताया कि अगर माइनस पावर माइनस में है तो अंदर का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए तो वही किया मैंने, 4 की पावर 9 को तो पहले 6 times में एक्सप्रेस कर दिया आराम से, 6 times 4, 6 times 9। ठीक, और 4 को क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 की पावर 4। यहाँ पे 9/4 की पावर 4, 9/4, 9/4, 9/4, 9/4, 9/4, 9/4, 4 टाइम्स हो गया। अब क्या होगा भाई, ये 4 से ये 4 कट गया, 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 ये 9 से ये 9 कट गया, ये 9 से ये 9, ये 9 से ये 9 और ये 9 से ये, क्या बच गया, 4 × 4 और 9 × 9। तो 4 × 4, 9 × 9 क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 9 × 9 = 81। आप ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो कि 4/9 की पावर 2, दोनों में से जो चाहो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, ओके। अब नाइन्थ पे चलिए, नाइन्थ भी वही है, रेशनल नंबर में कर करके दिखाना है। तो नाइन्थ का देखिए, मैंने एक सेवन्थ पार्ट ले लिया, बाकी तो आप कर लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिंपल पार्ट है, सेवन्थ थोड़ा सा अलग लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए। 5 की पावर -1, ठीक, माइनस 7 की पावर -1, सब की पावर फिर से ब्रैकेट में डाल के -1 कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको, सबको क्लियर है, -1 मतलब पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा अंदर का, जैसे ही पावर -1 रेसिप्रोकल कर दिया, फिर पावर -1 देखा रेसिप्रोकल कर दिया, ब्रैकेट डाला है बाहर लिखा है, क्योंकि जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब इसको हम चेंज कर पाएंगे इस माइनस को। ठीक है, अच्छा अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिया, 5 × 7 = 35 आया, फिर उसके बाद जो है ऊपर 7, यहाँ पे 5 को डिवाइड किया, 7 आ गया यहाँ पे, क्लियर है, तो सॉल्व कर लो, पता ही कि 7 − 5/35 की पावर -1 क्या आ गया भाई, 7 × 5 जाएगा 2 बचेगा, 2/35 की पावर -1। अब -1 है फिर से बाहर, अब इसको ख़त्म करना है माइनस को, तो क्या करोगे, अंदर का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 35/2 उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, 35/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, है ना, 9 तक तो कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कोई टफ नहीं है, सिंप्लीफाई है, ठीक, या 9th का एक और पार्ट देख लीजिए, 9th का मैंने 9th भी आपको बताया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा था तो आपको सोचा मैं बता दूँ। ठीक, देख लीजिए क्या है, 3/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2/5 की पावर -1, ठीक, 3/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर -1, ठीक है, अच्छा तो पहले माइनस है, ख़त्म करोगे माइनस को तो अंदर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो गया, 3/2 का 2/3 हो गया, डिवाइड का डिवाइड रहने दो। अब फिर यहाँ भी -1, इसको भी हटाना है, तो आप क्या करोगे, फिर 2/5 का 5/2, माइनस हमेशा ऊपर ही रखते हैं, मैंने बताया भी आपको पहले वीडियो में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर तभी माना जाता है जब माइनस क्या रहता है, हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। ठीक, तो माइनस से हमेशा यहाँ पे स्टे कर देते हैं, चिपका देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा अब ये मल्टी डिवाइड है, अब भाई डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो भी आपने रूल पढ़ा है, जैसे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो फिर से ये रेसिप्रोकल हो जाए। ठीक है, दो बार रेसिप्रोकल होता है, अगर पावर माइनस है तो प्लस करने के लिए, ठीक, और अगर डिवाइड है उसके आगे तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमें फिर से क्या मिल गया, 2/5 - 2/5 ही हमको मिल गया। ठीक, बस कर दो, 2 × 2 = 4 माइनस में, 3 × 5 = 15 हो गया यहाँ पे। ठीक, आ गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात, -4/15, क्लियर, समझ गए। अच्छा टेंथ चलिए, सिंपलीफाई है बेटा, देखो एक क्वेश्चन मैंने किया आपको, फर्स्ट वाला कर दिया है सबसे सिंपल, -1/4 ब्रैकेट में है, उस पर पावर 2 है, फिर करली ब्रैकेट, फिर -2, फिर एक बिग ब्रैकेट -1। तो बेटा ये भी मैंने लॉ बताया है कि जब पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर ऐसे लगी रहती है तो सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, सब पावर एक में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 × -2 × -1, यानी कि आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, -1/4 2 × -2 × -1, तो -1/4 2 × 2 = 4 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ -1 है ये, फिर -1 × -4 × -1 - -4 + 4 × 4। ठीक, तो क्या आ गया, 1/-1/4 की पावर 4,
अब एक्सपेंड कर दो उसको, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन अपॉन फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, तो वन इंटू वन माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि फोर टाइम्स वन का मल्टीप्लाई की माइनस में, तो क्या आ गया, वन आ गया। अब देखो फोर का मल्टीप्लाई करो तो फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर फोर जा कितना होता है 256। ये हमको याद नहीं, मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया, अभी मल्टीप्लाई करके ही करिएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो? ये हो गया क्वेश्चन 10 तक, तो आपका यही होमवर्क है क्वेश्चन 7 टू 10 CW कॉपी में, ठीक है, एक्सरसाइज 5A। ओके, क्लियर, थैंक यू।